बिफोर क्लास आम कौन डिस्कशन करते ना इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड एसिड क्या कहते हैं कहते जी एच प्लस आयन डोनेट करूला एसिड कहते आउ जी एच प्लस आयन इजिली देखा कहते स्ट्रॉन्ग एसिड जी एच प्लस आयन मानते इजिली दे पारे विक एसिड से बेस जदि कह बेस कथा जा बेस कह मैंने जी ओएच माइनस बेस जो गोटे मन कर गोटे गोटे मलिकुल गोटे बेस এই বেসটা যে ওএইচ মাইনাস আয়ন ডোনেট করিব মানে হাইড্রোক্সাইড আয়ন ডোনেট করিব ওএইচ মাইনাস আয়ন ডোনেট করিব ডোনেট আমি লিখে পারিয়া কোন না ডোনেট ওএইচ মাইনাস আয়ন ওএইচ মাইনাস মানে আয়ন মানে তাকে আমি কইবা কোন হাইড্রোক্সাইড আয়ন হাইড্রোক্সাইড আয়ন যে হাইড্রোক্সাইড আয়ন কো ডোনেট করে सहीटा आम कौन कह बेस कह तो बेस उपरूर डिटेल्स जा एक्चुअली मुझे सिंपली भाव खाली बेस कहीदे कि एसिड बेस मान सल्ट तार टोटल डिटेल्स अच्छी तो एसिड पर थ्री साइंटिस्ट देते ना फास्ट साइंटिस्ट आर एनियस जन साइंटिस्ट देते जी एच प्लस आयन डोनेट करेंगे एसिड कहते जी ओएच माइनस डोनेट करेंगे कहते बेस कहते नेक्स्ट साइंटिस्ट कही बोन स्टेट लोरी सेमती आउ जो साइंटिस्ट कही लुईस से भी एसिड बेस विषय पर कही तो टोटल आम एसिड बेस पढ़ुना टिके टे जाना दरकार अच्छे कौन दे एसिड कहले कौन आस कहले कौन एति जान लें आम तरह बाहर कर इक्विवेलेंट वेट जमी मुझे एसिड कहली एच प्लस आयन डोनेट कला मैंने कहती एसिड कि ओएच माइनस जी डोनेट करेंगे कह बेस से बेस मन रखा ये कथा जे डोनेट करएच माइनस आयन मैंने हाइड्रोक्साइड आयन तक कह बेस से इक्विवेलेंट वेट बाहर करवा ना इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस कहला मैंने ना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस बेस ना बेस रो मॉलिक्यूलर वेट बाहर करवा केमी मॉलिक्यूलर वेट बाहर कर जना अच्छी आम कह एसिडिटी जी आम कहते जो एसिड केस रे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड बाय बेसिसिटी बेसिसिटी कहला मैंने कौन ना नंबर ऑफ एच प्लस आयन डोनेट इंडिया कौन कह बेस केस रे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस माने एसिडिटी एसिडिटी माने नंबर ऑफ ओएच माइनस आयन डोनेट्स जी आम कह इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इरिप्रेसिबल ओएच ग्रुप जी जी ओएच ग्रुप दे पार तक आम कह बेस कह बुझिपार या लिखिद कम्प्लीटली लिखिदेपर आम नेक्स्ट आम एग्जाम एग्जाम्पल मध्यम बुझा जो आम एग्जाम्पल नवा आम बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड गोटे बेस ना जो ओएच देखा मिल ना जमीन नौ एसिड कहला मैंने जो एच प्लस आयन देखा मिलते एच टू एस ओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड एच प्लस आयन था एच थ्री पीओ फोर फॉस्फोरिक एसिड एच प्लस आयन था आम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड हाँ ना सोडियम हाइड्रोक्साइड केमी या तो बतेली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो राइटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बतेली से समय हाँ ना ये कौन अच्छी ना सोडियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करवा ये कौन दब एन ए प्लस ओएच माइनस कौन सोडियम बैलेंस वन आउ ओएच माइनस बैलेंस वन किंतु यार ये गोटे इलेक्ट्रॉन ये जेहेतु मेटल गोटे इलेक्ट्रॉन डोनेट करी ये गोटे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करी तो आम बैलेंस क्या कहते कि जे जी इलेक्ट्रॉन डोनेट करें एक्सेप्ट करें और शेयरिंग करें आम कौन कहते बैलेंस कहते सेपर ये यार बैलेंस वन से आम देखा ना इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस बाहर करवा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एन ए ओएच तो आम बाहर करिया कौन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम ना मॉलिक्यूलर वेट किन बाहर करिया ना एवरी एलिमेंट रो एटॉमिक वेट को ऐड करिया एडे कौन अच्छे सोडियम एलिमेंट केते तार एटॉमिक वेट 23 ऑक्सीजन एलिमेंट एटॉमिक वेट केते 16 हाइड्रोजन एलिमेंट तार एटॉमिक वेट केते 1 डिवाइडेड बाय केतटा ओएच माइनस रिप्लेस होउची ना गुटीए तो डिवाइडेड बाय 1 तो सही पर हमरा एडे केते आसिला निया ये आसिला हमरा 40 40 बाय 1 देखे आसिला 40 तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के आंसर 40 आसला से लिख दियो कम्प्लीटली लिख दियो जमी स्टेप वाइज लिखी लिख से एग्जांपल आम टू नवा एग्जांपल टू
ना एग्जांपल टू जदि नबा से पर जदि हम देखिबा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केने तयार हिजम जानिचो ना कैल्शियम कहले Ca2+ हाइड्रोक्साइड कहले OH- होना ए बहुत हाइड्रोक्साइड आय न तो यार बैलेंस शीट 2 यार बैलेंस शीट 1 क्रिस क्रॉस मेथड या एठकी जीवो ये एठकी जीवो हंग नै आ जदि एडा गुटे पॉली एटॉमिक हेतिवारु ब्रैकेट भीतर रहइबो को भीतर रहइबो बतैथिली हंग नै बिफोर क्लास रे बतै जी नै सब पॉली एट ये पॉली एटॉमिक हेतिले कोन हो ब्रैकेट भीतर रहइबो एम जे रहइबो CaOH होल टू तो ये हला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जदि हम ब्रेक करिबा तले कोन दबो Ca2+2OH- माइनस हला सही परी ना ए केस रे ओएच माइनस केतरा दोची दीटा दोची हो नहीं ओएच केतरा दोची दीटा छी तो सही परी हम जदि बात करिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स ना एडे कोन होबो कैल्शियम कैल्शियम मॉलिक्युलर वेट बात करिया मॉलिक्युलर वेट कैल्शियम रो एटॉमिक वेट केते 40 प्लस मते को एडे केते गुणा है जी 2 गुणा है जी 2 गुणी देली ब्रैकेट लिख देली अरे हंग नै कोन पे 2 मल्टीप्लाई करली ना एडे 2 मल्टीप्लाई 2 अछि ना तो 2 लिखली देखिलो ऑक्सीजन रो केते 16 हाइड्रोजन रो केते 1 तो एतिकि केतटा ओएच माइनस रिप्लेस होउची दीटा डिवाइड बाय 2 तो ये ला 40 ये केतला 17 17 इनटू 2 दे 34 बाय 2 तो ये केता आसीला 44 34 दे 74 74 बाय 2 74 बाय 2 दे केता आसी आंसर हमरो 37 की अरे आसीबो नै 37 37 74 होबो नै तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रो इक्विवेलेंट वेट केते पाइले 37 से पर जदी अनदर एग्जांपल हम नबा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एग्जांपल 3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल 3 AlOH होल 3 जदि देखिबा हम देखिबा केमिति आसला ना एल्युमिनियम रॉक चार्ज केते 3 प्लस हाइड्रोक्साइड कहला माने OH माइनस आयन हंग नै तो यार बैलेंस केते 3 यार बैलेंस 1 क्रिस क्रॉस मेथड एठ की जीवो ये कोन हि जीवो Al ये पॉली एटॉमिक हि जे ब्रैकेट भीतर रहइबो तो AlOH होल 3 बुझि पाइलो सेइ पर हम बात करिबा इक्विवेलेंट वेट equivalent weight of aluminium hydroxides ना केन बा करियो एको aluminium hydroxide molecular weight बा करबा aluminium र केते जो atomic weight of aluminium र केते 27 plus एडे 3 अछि 3 मल्टीप्लाई करबी हां नै 3 मल्टीप्लाई करली ऑक्सीजन र atomic weight केते ऑक्सीजन atomic weight 16 हाइड्रोजन केते 1 बुझ पाइलो डिवाइडेड बाय केतटा याकु भांगले केतटा ओएच माइनस ना ई हबो Al 3 प्लस प्लस 3 ओएच माइनस तले केतटा ओएच माइनस हम दउची 3 तो डिवाइडेड बाय 3 तो ये केते हे गला ना ये तमरा आसीबो 27 ये आसीबो टोटले 51 बाय 3 तो टोटल आसीबो 78 बाय 3 देखते आसीबो आंसर 26 तो हम पाइले इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जोटा कि 26 बुझ पार तो इक्विवेलेंट वेट हम बाहर कले कार बेस रो कार बाहर कले बेस रो बेस रे बाहर कले से पर हम नेक्स्ट बाहर करिबा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट कार बाहर करिबा सॉल्ट equivalent weight of salts salt कोई लामने हमें कौन बुझिबा
ना आम कहती सोडियम क्लोराइड आम जो कहते खाया सोडा हाँ ना से आम कहते लुण हाँ ना सल्ट कहते सोडियम लुण में कौन मिसी ना सोडियम क्लोराइड टा गोटे सल्ट बुझिपाल से सल्ट कहला मैंने सल्ट इज ए कंपाउंड सल्ट कहला मैंने कौन सल्ट इज ए कंपाउंड कंपाउंड ऑब्टेन ए कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड ऑफ एन एसिड एंड बेस आमको सल्ट मिलवाप कौन करवा एसिड प्लस बेस को जदि आम कंबाइन करवा आमको मिल सल्ट सल्ट आता सहित मिलको वाटर जदि आम एसिड आउ बेस को कंबाइन करवा आमको मिल सल्ट प्लस मिल वाटर जमी एसिड गोटे कह हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कम कहते हाइड्रोजन क्लोराइड कम कहते कौन हाइड्रोक्लोरिक एसिड आउ गोटे कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड या को मिसेबा ताले कौन हम ये एच प्लस या भांगे कौन मिल एच प्लस सी एल माइनस या भांगे कौन मिल एन ए प्लस ओ एच माइनस देख हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भांगे कौन मिल एच प्लस सी एल माइनस एन ए ओएच को भांगे कौन मिल एन ए प्लस ओ एच माइनस बर्तमान यार पॉजिटिव को यार नेगेटिव लेख एन ए प्लस सी एल माइनस कौन हो एन ए सी एल से एच प्लस ओ एच माइनस कौन मिल वाटर ताले एन ए सी एल गोटे कौन सल्ट एन ए सी एल गोटे कौन सल्ट सोडियम क्लोराइड ये सल्टर आम बाहर करवा इकोवेलेंट वेट कौन बाहर करवा इकोवेलेंट वेट लिखिद या कम्प्लीटली या लिखिद जब आम लिखा इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ सॉल्ट इक्वल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी पॉजिटिव बैलेंस कही और टोटल नेगेटिव बैलेंस तुम्हें जोटा नहीं पाने चलो आम सल्टर इक्विवेलेंट वेट पाइबापे से सल्टर मॉलिक्यूलर वेट नवा आउ तार से भांगी देला ब्रेक कला तार जी पॉजिटिव चार्ज आसो कह पॉजिटिव बैलेंस कि जी नेगेटिव चार्ज आसो कह नेगेटिव बैलेंस तो तुम्हें पॉजिटिव चार्ज को डिवाइडेड कर पार नेगेटिव चार्ज को भी डिवाइड कर पार जहाँ कले चलो एमती फॉर एग्जांपल एग्जांपल वन मुझे नेबी इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड फास्ट सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूलर वेट बाहर करी ये गोटे सल्टे ना सोडियम रो आटमिक वेट के 23 क्लोरीन रो मॉलिक्यूलर आटमिक वेट के 35.5 डिवाइडेड बाय सोडियम क्लोराइड को ब्रेक कले कौन मिल एनएसएल को ब्रेक कले कौन मिल एन ए प्लस सी एल माइनस देख लगे पॉजिटिव चार्ज के वन तो लिखी वन कि नेगेटिव चार्ज के वन बी वन जहाँ लिखने चलो तो यहाँ के ना ये आस 5.53 के आस 8 ये 3.2 ना कि 58.5 बाय 1 दे आस 58.5 ताले आम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड सल्ट रे 58.5
सपोज जदि आमे नेक्स्ट जीवा एग्जांपल 2 एग्जांपल 2 देखिबा ना इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट जरा कॉल्स Na2CO3 तो जदि आमे यार बाहर करिबा तार मॉलिक्यूलर वेट नबा या उटे सॉल्ट रे ए तक आमे ते बाकरा मॉलिक्यूलर वेट बाहर करिबा सोडियम के चार्ज ही दीटा एवरी सोडियम रो एटॉमिक वेट केते 23 प्लस कार्बन रो एटॉमिक वेट केते 12 ऑक्सीजन केते आछे 3 तार एटॉमिक वेट केते 16 डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज देखो Na2CO3 को वर्तमान ब्रेक करो कौन आसीबो एटे जा थिबो फ्रंट पले आसीबो एटे बुझो भल से देखो ना एटे जा थिबो कोडी पले आसीबो फ्रंट को 2 सोडियम रो चार्ज रा केते केते इलेक्ट्रॉन लॉस करे गुटिए 2 प्लस बुझ पाइलो तब पछ सोडियम रो पॉजिटिव जा केते की सोडियम केते इलेक्ट्रॉन लॉस करे गुटिए इलेक्ट्रॉन लॉस करे छै प्लस देली सेइ परि CO3 देख लो केतेटा प्लस 2 इनटू गुटिए सोडियम रो गुटिए प्लस दुईटा सोडियम रो दुईटा प्लस तले केतेटा माइनस होबो दुईटा माइनस होबो तले दुईटा हमकु गुटिए सोडियम रो गुटिए प्लस मिलला दुईटा सोडियम रो दुईटा प्लस सेबरी दुईटा माइनस मिलला तले पॉजिटिव केतेटा प्लस दुईटा बि दुईटा माइनस अरे हो नै तो सेइ परि हम जदि देखिबा ना हमरा आसीबो केते एडे तासि बडे केते 106 जदि काउंट करिबा 106 बाय 2 तो ये केता जीवो 106 माने 53 तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट 53 तो लास्ट वन एग्जांपल हम नबा जोटा की इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट बाहर करिबा लास्ट वन एग्जांपल एग्जांपल 3 ना आम बाहर करिबा L2SO4O3 अल्युमिनियम सल्फेट जोटा कि हम कहती तो सही परी या कुछ हमें ब्रेक करिबा आगो बा ब्रेक कर दोची हैला ब्रेक कले कौन हम देख लो मु कौन कही थी ये जा फ्रंट को पड़े आसो ना टू ये टू अच्छे टू आसला AL अल्युमिनियम रो अल्युमिनियम केते इलेक्ट्रॉन लॉस करे तार बैलेंस केते अल्युमिनियम बैलेंस केते 3 तो 3 प्लस मान 3 टा इलेक्ट्रॉन लॉस करिवो सेई परी देखिलो पिले एडे केते अछि 3 3 अछि माने फ्रंट को पळे आसीबो ए फ्रंट को पळे आसीबो तो 3 SO4 SO4 केता होबो ना 2 माइनस SO4 2 माइनस डाकी थेली मु दे OH माइनस CO3 2 माइनस SO4 2 माइनस डाकी नथले तो एस टेबुल रे हमर अछि सेई सब टेबुल रे सब अछि हैला पिले माने SO4 2 माइनस से पर देखि लो एते पॉजिटिव चार्ज केते आला ना गुटी एल्युमिनियम रो पॉजिटिव चार्ज आला 3 प्लस दीटा एल्युमिनियम केते हैला 6 प्लस हो नै 2 इनटू 3 प्लस दे 6 प्लस से पर गुटी SO4 रो चार्ज आला 2 माइनस से पर से तीनटा SO4 2 माइनस केते हबो 6 माइनस तो टोटल जति की पॉजिटिव चार्ज हबो सेति की नेगेटिव चार्ज हबो तो तमे पॉजिटिव चार्ज कंबाइन करले भी हबो नेगेटिव चार्ज भी कंबाइन करले हबो तो सेई परि यदि हम बा करबा इक्विवेलेंट वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2SO4O3 तार फास्ट बा करिया कोन मॉलिक्युलर वेट देखिलो एल्युमिनियम केते आछि 2 1 एल्युमिनियम रो एटॉमिक वेट केते 27 प्लस आमे टोटल ब्रैकेट अछि ब्रैकेट रे केते मल्टीप्लाई दि 3 हने ब्रैकेट दबा सल्फर केते एटॉमिक वेट 32 तार प्लस ऑक्सीजन केते अछि 4 1 ऑक्सीजन एटॉमिक वेट केते 16 बुझि पाइलो डिवाइडेड बाय देखिलो टोटल पॉजिटिव चार्ज केते है ना गुटी एल्युमिनियम रो 3 प्लस दीटा एल्युमिनियम रो 6 प्लस ये 6 माइनस लिखि देबि चलिबो यदि टोटल या को हमें काउंट करिबा ना काउंट कला पर हमरा आसीबो ई आसीबो केते 54 प्लस ई आसीबो केते 96 इनटू 3 डिवाइडेड बाय 6 तो ये आसीबो हमर केते
ना ये आसीबो 342 by 6 जे टोटल आसीबो 57 ताले आमे पाइले ना L2SO4 होल 3 रो इक्विवेलेंट वेट पाइले 57 सेई परी आमे टोटल आमे कोले सॉल्ट बुझबेलो ने सॉल्ट कहले माने आमे फास्ट कथा का कहली सॉल्ट कहले माने एसिड आउ बेस मिसिंग नाम को मिलबो सॉल्ट तो सॉल्ट रे इक्विवेलेंट वेट बा करिया पाई हेले सेई सॉल्ट रो मॉलिक्युलर वेट नबा जो सॉल्ट हमको क्वेश्चन रे पचारी थिबो आउ ताको आमे ब्रेक करला परे टोटल पॉजिटिव चार्ज केते मिलु जी आइदर टोटल पॉजिटिव चार्ज नबा नले नेगेटिव चार्ज नबा तो पॉजिटिव चार्ज को आमे डिवाइडेड कर दबा तो पाइले जति के हम पाइबा तार पाइबा आमे इक्विवेलेंट वेट तो इक्विवेलेंट वेट ऊपर टोटल आइडिया हमर थिला कोनो ना उटे एवरी एलिमेंट रो इक्विवेलेंट वेट पाया पाइ हेले एटॉमिक वेट बाय बैलेंस एसिड पाइ हम पौतले केते एच प्लस आयन रिप्लेस होजी बेस पाइ हम पौतले केते ओएच माइनस रिप्लेस होजी आउ सॉल्ट पाइ नेकुतले पॉजिटिव बैलेंस आ नेगेटिव बैलेंस तो हमर ये थिला टोटल बेसिक कांसेप्ट मा टोटल कांसेप्ट उपर का उपर थिला हमर इक्विवेलेंट वेट उपर कांसेप्ट थिला।